इस वक्त पुरी की तट पे लैंडफॉल कर रहा है। यह लैंडफॉल एक घंटे पहले शुरू हुआ है और इस वक्त वहाँ पे हवा की जो रफ्तार है 160 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक है। बहुत भारी वर्षा हो रही है और आम जनमानस जिन्हें साइक्लोन शेल्टर में रखा गया है वो अपने शेल्टर्स में सुरक्षित हैं। यातायात ट्रेन एवं फ्लाइट अभी कैंसल्ड हैं। इसका प्रभाव अगले 3 से 4 घंटों में सबसे ज़्यादा होगा और इस वक्त सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। सभी से यह अनुरोध है कि वो अपने घरों में सुरक्षित रहें, अभी बाहर नहीं मूव करें। यह तूफान अगले 3 से 4 घंटों के बाद नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बढ़ेगा। इसका प्रभाव बंगाल के दक्षिणी हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों पर आज रात से पड़ना शुरू हो जाएगा। इसका पूरा असर बंगाल के दक्षिण हिस्सों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे 4 मई को दिखेगा, जब वहाँ पे भारी वर्षा या बहुत भारी वर्षा होगी और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कलकत्ता की तट पे हवाएं थोड़ी ज़्यादा 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। इसके मद्देनज़र ये आवश्यक हो जाता है कि वहाँ पे सभी एहतियाती उपाय किए जाएँ, लोग अपने घरों में रहें, यातायात अवॉइड करना चाहिए और साथ ही जो भी कच्चे घर हो या सूखे पेड़ हो, अगर कमज़ोर पोल हो, लटकते बिजली के तार हो, इनका रिपेयर आज कर लिया जाना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।